कोमल, अभी क्या स्थिति है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है ऐसा बताया जा रहा है। रक्षा मंत्री कितने बजे तक पहुंच सकते हैं कोमल? देखिए, टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर ही हम खड़े हैं और रक्षा मंत्री का यहाँ पर जो अभी तक हमारे पास खबर है 11 और 11:30 के बीच में वो लैंड करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट वो पुंछ रजौरी जाएंगे। पुंछ रजौरी 12 बजे वो लैंड करेंगे, रजौरी डिव हेडक्वार्टर में लैंड करके उसके बाद वो DKG जाएंगे, वहाँ जहाँ पर ये आतंकी हमला 21 दिसंबर को हुआ था। और 21 दिसंबर हमले वाली जगह से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही आर्मी का कैंप है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पर अधिकारियों से मिलेंगे, उनसे सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे। अधिकारी उनको उस स्थिति का सारा जायजा देंगे, कैसे हमला हुआ, कैसे गाड़ियाँ वहाँ पर आई, कैसे आतंकी कहाँ घात लगा के बैठे थे, सारी सिचुएशन को वो बताएंगे। उसके बाद वो डिव रजौरी डिव हेडक्वार्टर में आएंगे, वहाँ पर भी वो सीनियर सैन्य के जो अधिकारी हैं सैन्य कमांडरों से मिलेंगे, उनसे भी बैठक करेंगे। उसके बाद वो 3 बजे जम्मू पहुंचेंगे, राजभवन में 16 कोर कमांडर LG मनोज सिन्हा उनके साथ बैठक करेंगे और ये पूरा जायजा जो सिचुएशन का है वो लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमला हुआ था। और बार बार हमने आपको पहले कहा कि पहले भी, इससे पहले नवंबर में भी कंडी इलाके में हमला हुआ था, 5 जवान शहीद हुए थे। उसी दिन राजनाथ सिंह जी का दौरा जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ था, वो रजौरी उसी जगह पहुंचे थे, समीक्षा बैठक उन्होंने उसी दिन भी की थी, सेम दिन आज वो राजभवन जाएंगे। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि वो जो घटना स्थल था जहाँ पर घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया था सेना के जवानों के ऊपर, न सिर्फ उस जगह बल्कि LOC के दूसरे इलाकों में भी राजनाथ सिंह जा सकते हैं, बॉर्डर के पास वाले कुछ दूसरे इलाकों में भी जा सकते हैं, तो ऐसी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, राजनाथ सिंह जी का दो जो जगह का दौरा है वो हमारे पास उसकी डिटेल है, लेकिन हमने ये भी सुना कि हो सकता है वो कुछ सिविलियन से भी मिल सकते हैं, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि एक संदिग्ध परिस्थितियों में उन दिनों 3 संदिग्ध की मौत हुई थी लड़कों की, तो हो सकता है वो उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनको डिव हेडक्वार्टर में बुलाएंगे या फिर उनके परिवार वालों से मिलेंगे। लेकिन DKG का जो इलाका है वहाँ पर 2 जगह अलग अलग कैंप्स में वो समीक्षा की बैठक करेंगे, 3 बजे जम्मू आके भी राजभवन में बैठक करेंगे और 4 बजे वापस जम्मू लौट दिल्ली लौट जाएंगे। लेकिन हाँ, ये भी है कि उनकी इस बैठक के दौरान क्या बड़ा करना है, क्या बड़ा होने वाला है, ये बहुत बड़ी बात है, ये इंतजार करना होगा राजनाथ सिंह के दौरे के बाद कि किस तरह के डिसीजंस वो अधिकारियों को देकर जाएंगे, क्योंकि बड़ा तो होने ही वाला है जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, और कोमल वो हर अपडेट आपसे हम आगे भी लेते रहेंगे, रक्षा मंत्री आज वहां पर पहुंच रहे हैं, आगे आएंगे आपके पास कोमल। लेकिन देखिए, जैसा कोमल बता रही है कि कुछ सिविलियंस के साथ भी बातचीत संभव है आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, और ये जरूरी भी है, जो वहां के आम लोग हैं, वहां की जनता है, उन्हें ये समझाना कि सरकार आपके साथ है और ये आतंकी तो हमेशा ही बरगलाने का काम दरअसल करते रहे। अहम खबर, आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को रोकने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के साथ साथ अंदरूनी इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और ग्रामीण रक्षा समिति को अब सतर्क कर दिया गया है और पूरे इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, जो कि सीमा के पास हथियारों से लैस होकर निगरानी करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ इस वक्त पेट्रोलिंग की जा रही है और LOC के पास के जो इलाके हैं वहां पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान अब भी इस फिराक में है कि किसी भी तरह से आतंकियों की एंट्री LOC पार करा के भारतीय सीमा के अंदर कर दी जाए। लेकिन अहम खबर, लगातार यहां पेट्रोलिंग हो रही है, नजर रखी जा रही है। सर, गन फिर से उठा ली है, मकसद क्या है? मकसद सर यही है, मिलिटेंट नहीं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ड्रोन भी आते हैं, और हमारे को देश मिला है कि ड्रोन की भी जांच रखनी है कब आता है, तो मिलिटेंट जब आते हैं उनके साथ डट के मुकाबला करना है, इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं जंगल में घूम खा के कहीं बैठे हुए हैं। पूरी तरह से आप तैयार? पूरी तरह से तैयार हैं सर। लाइन ऑफ कंट्रोल अगर पार से कोई आतंकवादी आता है तो उसको आने देंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम जो आएगा तो जिंदा नहीं जाएगा, मार के छोड़ेंगे उसको। आपने देखा मैसेज यहाँ पर इन लोगों का बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई आएगा उसे जिंदा जाने नहीं दिया जाएगा। आपसे बात करते हैं, आप जी भाई साहब, आपसे बात करके ये जानते हैं क्या मैसेज होगा उन आतंकवादियों के लिए जो कोशिश कर रहे हैं भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की? जो भी कोशिश कर रहे हैं, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसे खत्म करके छोड़ेंगे। तो आप देखिए, इन लोगों का जो जज्बा है देश के लिए कुछ भी करने के लिए, बिल्कुल ये तैयार हैं, अगर आतंकवादी कोई घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये विलेज डिफेंस कमेटी के वो मेंबर्स हैं जो बिल्कुल मुस्तैद हैं, बिल्कुल तैयार हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज सिपाही भी इनकी मदद कर रहे हैं, इन्हें ट्रेन कर रहे हैं कि किसी भी तरह के आतंकवादी हमले या आतंकवादी गतिविधि का सामना करने के लिए।